गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज अपना पढ़ाई का सेकंड डे है। कल हमने फ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था, आज उसी से रिलेटेड चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन जो है वो किसी भी होल पार्ट का एक हिस्सा है। फ्रैक्शंस के बारे में कल आपको ये समझाया था, इस प्रकार से फ्रैक्शन को राइट करते हैं, 5/9, जो ऊपर जो पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है डेनोमिनेटर। हिंदी में इसको न्यूमिरेटर को अंश बोलते हैं और डेनोमिनेटर को हर। अब इसको हम रीड एंड राइट फ्रैक्शन कैसे इसको पढ़ा और लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5/9, हम ज़्यादातर अपॉन का यूज करते हैं। आपको पता है 5/9, अपॉन मीन्स ऊपर, 9 के ऊपर 5। अब इसको आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है, इसको लिखना है 5/9, 5/9। इसी प्रकार से मैंने एक और लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल 8/15, इसको आपको कैसे लिखना और पढ़ना है, 8/15, 8/15। ये तो हो गया इसको रीड एंड राइट का वे। इस प्रकार से आप इसको रीड और राइट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला है लाइक फ्रैक्शन, पहला है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डेनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम मतलब एक जैसे होते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा रखा है, जैसे 4/5, 9/5, 2/5, 3/5। इन सब में एक कॉमन चीज है, क्या है वो कॉमन चीज, इन सब के डेनोमिनेटर जो हैं वो सेम हैं। अब मैंने आपको यही कहा था, जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, समझ गए। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। पहला हमने पढ़ा लाइक फ्रैक्शन, दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट है, कहने का मीन्स क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टा। क्या उसमें हमने देखा था कि डेनोमिनेटर क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं और इसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। कोई भी डेनोमिनेटर एक जैसा नहीं होता है। देखिए 4/5, 7/9, 6/8, 5/12, इन सब में जो हैं डेनोमिनेटर अलग अलग हैं। इसमें 5 डेनोमिनेटर है, इसमें 9 है, इसमें 8 है और यहाँ पर 12 है, तो इन सब के डेनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हम इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अपना जो तीसरा पॉइंट है वो आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, यानी एक, यूनिट का मतलब एक। अब एक का मतलब आप समझते हो वन। चलिए इसके बारे में क्या है ये पढ़ लें। फ्रैक्शंस हैविंग वन एज न्यूमिरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमिरेटर वन होता है, क्या होता है, वन, वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। जिन फ्रैक्शंस का न्यूमिरेटर वन होता है वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 1/8, दूसरा मैंने लिखा 1/5, तीसरा लिखा 1/9। इन सब को हम यहाँ पे देखते हैं, इसका न्यूमिरेटर क्या है, वन,
इसका न्यूमिरेटर क्या है, 1, और इसका भी 1। तो जिन फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर 1 होता है वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर, वो फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला जो मैंने आपको बताया है, देखिए ऊपर, वो हमेशा न्यूमिरेटर से क्या होगा, ग्रेटर, बड़ा होगा, तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं 4/8, 9/5, 7/18। 4/8 में न्यूमिरेटर है 4, डेनोमिनेटर है 8, 8 यहाँ पे ग्रेटर है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से 9/15, 15 जो है वो डेनोमिनेटर है और 9 क्या है, न्यूमिरेटर, तो 15 जो है वो 9 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/18 की बात कर लेते हैं, तो 18 भी 7 से, यानी 18 जो डेनोमिनेटर है वो इस न्यूमिरेटर 7 से बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो अपना पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पीछे पढ़ा था अभी जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है डेनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमिरेटर से। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर जो है वो ग्रेटर होता है यानी बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, डेनोमिनेटर से, तो हम उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 9/6, 15/7, 18/5, इन सब में आपको दिखाई दे रहा है, सब में डेनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है, किससे, न्यूमिरेटर से, मीन्स कहने का न्यूमिरेटर ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, तो ये सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला जो इसका है टाइप ऑफ फ्रैक्शन वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, देखिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होता है, जो पूरा नंबर होता है, यहाँ पे 5 क्या है, होल नंबर है, और आगे आपको एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है 4/7, और वो फ्रैक्शन भी कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, रिमाइंड इट, अभी अभी आपको मैंने बताया था फोर्थ वाला पॉइंट, जिसमें डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो होल नंबर प्लस इसके साथ ऐड क्या हो गया, 4/7 मिक्स हो गया, ये मिल गया तो बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 5/4/7, इसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे 3/4/9, ये इसका पढ़ने का तरीका है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ाया है इसको आपको रिवाइज करना है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं, तो इस जो एग्जांपल्स जो मैंने ये पढ़ाए हैं आप सबको, ये रफ कॉपी में आपको इनको सॉल्व करना है, समझना है, उसके साथ ही नीचे आपका ये होमवर्क मैंने डाल दिया है, ये होमवर्क आपको पिक्चर के थ्रू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और या वीडियो लिंक में आपको भेज दिया जाएगा, और ये होमवर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक डाल के उसमें सेम डे होमवर्क करना है। ओके।